हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिज गुड लाइफ में आपका स्वागत हो। तो आज नाश्ता बना रहा है सक्षम सुबह सुबह, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम हैं और मुझे जल्दी छुट्टी मिलने वाला है नहीं। तो सक्षम ने बोला कि सैंडविच बना देता हूँ और उसको बनाना आता है, तो मैंने कहा कि चलो बना दो, थोड़ा सा मेरा हेल्प हो जाएगा। और मैंने अभी जो वीडियो डाला था पार्ट वन, अब इसके आगे की पार्ट टू की वीडियो है। तो बस आज से हमारी सफाई मतलब क्लीनिंग जो रूटीन है वो शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे सामान हैं, जो मतलब ये शोकेस कितने तो मेरे सारे टूट गए हैं, कितने मेरे बच गए हैं, तो वही सब जो है क्लीन कर करके रख रही हूँ। और ये जो मैंने बनाया फर्नीचर का ये वाला ना, ये हमने खुद से ही बनाया था। हमारे घर में ये प्लाई बचा हुआ था, रेड और वाइट प्लाई वाला, तो इसको हमने घर पे खुद बनाया था। मैंने अमेजोन पे चेक किया था, ये मुझे 300 या 400 का दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी ऐसे बना के देखती हूँ, बट ये बहुत परफेक्ट बन गया। तो पेंट करने में कम से कम 1 हफ्ते लग गए थे। घर पूरा ऐसे मैसी हो रखा था, कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी, इस हालात में मेरा घर हो गया था। तो बस आज से जो है सफाई शुरू हो गया है, और आज है संडे, तो बस हमने सोचा कि चलो अब सफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब धीरे धीरे करेंगे ना, कम से कम 1 हफ्ता तो लगने वाला है। तो बस मैंने बालों में बहुत सारा ऑयल किया और उसके बाद जुट गई अपने कामों में। और यहाँ पे सक्षम सैंडविच बनाया था, इतना बेस्ट सैंडविच बनाया था, और तो बस वही खा ही रही थी। उतने में वेल्डिंग वाले भैया आ गए, क्योंकि हमें जो है दरवाजों में कुंडी लगवानी थी, मतलब कुंडी लगा हुआ था वो जो होल टाइप में होता है वो हमें लगवाना था। तो बस इसी टाइम भैया भी आ गए, तो ये भी काम मेरा साथ के साथ हो जाएगा। बाकी जो टूटेगा फटेगा वो पेंट वाले आएंगे अपना कर देंगे पेंट। तो बस साथ के साथ जो है काम होता जा रहा है, और साथ के साथ मेरी सफाई भी होती जा रही है। घर में ना सफाई करना बहुत मुश्किल काम है, जब काम एकदम बिखर जाता है ना और उसके बाद उसको समेटो तो बहुत टाइम भी लग जाता है, और सामान को क्लीन करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप बस घर पेंट करवा लिए, बस उसी सामान उसी जगह में फिर रखते जाओ, उसको साफ़ करना पड़ता है, टाइम लगता है। तो जैसे जितने पर्दे निकले थे वो सारे पर्दे हमने मशीन में डालती गई, उसको धुलती गई, फिर साथ में जितने कपड़े गंदे हो रहे हैं उसको बस ऐसे धुलती जा रही हूँ, बाकी जो हमारे काम लायक था वो करती जा रही थी। और आज मैं किचन से शुरू की हूँ, तो सबसे पहले मैं अपना किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि किचन में बनाना होता है खाना, और सबसे ज़्यादा सफाई मुझे किचन में जो है पसंद है। तो मैंने सोचा कि पहले किचन को क्लीन करती हूँ। तो पूरा स्लेप इतना ज़्यादा भरा हुआ था, अभी नाश्ता बना ये तो ये सब, अभी खाना तो बना नहीं है, अभी नाश्ता ही हुआ है सबका। तो बस अभी स्लेप साफ करती हूँ। ऊपर के जो सारे कबर्ड थे ना, वो हमने पेंटर वाले भैया से करवा लिया था, अच्छे से साफ करवा लिया था, तो बस यही सब करवाना था। और मैंने सोचा कि चलो जो थोड़ा बहुत मेरे किचन की जो क्लीनिंग बच गई वो मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले हम सारे ये बर्तन क्लीन करके लगा देंगे साफ़ करके, नहीं तो धूल जितना साफ़ करेंगे ना उतना धूल मिट्टी चिपकेगा। तो बस अभी मेरा जो है किचन से सफाई शुरू हो गया है, और आज मुझे पूरा दिन लगने वाला है। तो किचन में ही मुझे लग गए थे 1 से 1.5 घंटे। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा लिविंग रूम किया, थोड़ी सी मैंने जो है अपना बेडरूम फिर थोड़ा सा किया। तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा करती जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हमें जान नहीं देना है, तो इतना ही काफ़ी है। और मुझे ये सब करते हुए ना 3 बज गए थे शाम को, फिर हमने खाना बनाया, 3 बजे खाना खाया। तो सफाई बहुत, जब एक बार भी बिखरता है ना तो बड़ा आसान लगता है सामान को फैलाना, लेकिन जब उसको क्लीन करना पड़ता है ना तो सच में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है। तो बस इसी के साथ में अपने जो है काम को हम करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि दिवाली है, दिवाली में वैसे भी डीप क्लीनिंग करना पड़ता है। तो साथ के साथ हमारा जो है पेंटिंग का भी काम हो गया, साथ के साथ जो है सामान साफ़ करेंगे और सामान अपनी जगह पे लगा देंगे, और बाकी धीरे धीरे अपना करते रहेंगे जो थोड़ा बहुत बचा है। और ये देखिए हमारे जो माइक्रोवेव के नीचे की धूल जमी है ना, ये हम हफ्ते में एक बार ज़रूर करते हैं, बट ये पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा धूल आ जाता है। और साथ के साथ जो है ये किचन, सबसे ज़्यादा घर में अगर गंदगी होती है तो किचन को तो डेली अगर ना क्लीन करें ना तो सबसे ज़्यादा जो ऑयल ग्रीस होता है ये सब जम जाता है, तो साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो साथ के साथ हम हफ्ते में एक बार ज़रूर करते हैं क्लीनिंग, बाकी डीप क्लीनिंग हर 15 दिन पे ज़रूर करते हैं। तो बस यहाँ पे हम जो है जितने वो टाइल्स वाले दीवार वो सब साफ़ कर देंगे, और उसके बाद गैस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, गैस तो 2 टाइम तो साफ़ करना ही पड़ता है, एक सुबह और एक शाम जब खाना बनाने के बाद।
तो ये जब मेन साफ रहता है ना, तो ज़्यादा किचन के जो सामने की जो गंदगी है वो ज़रूरी है साफ़ करना। बाकी जो कोने कोने की गंदगी है वो तो पूरा साफ है ही है, वो हफ्ते में 15 दिन में एक बार होता है। जो स्लेप है मैं ज़्यादा मैसी करके नहीं रखना चाहती हूँ, बस उतने ही सामान रखना चाहती हूँ जो मुझे आसानी से मिल जाए। और जैसे कि ऑयल हुआ, ऑयल डेली खाने में यूज होता है तो वो हमने सामने फ्रंट पे रख दिया। कैंची, चाकू और ये सब की ज़रूरत पड़ती है चॉपिंग की, तो वो भी हमने सामने रख दिया। तो प्लेटफॉर्म पे हम ज़्यादा सामान नहीं रखते, बस उतना ही रखते हैं जितना मुझे आसान भी लगता है और देखने में भी अच्छा भी लगे। और बस इधर के साइड में मैंने बस ये जो है बेलन, चकला और छोटा वाला फ़ैन ये सब रख दिया था। और यहाँ पे देखिए हमने बच्चों को भी साथ में लगा दिया, तो बच्चे अभी तो लड्डू को मैंने कपड़े फोल्ड करने में लगा दिए कि थोड़ा सा बिजी रहेगा, नहीं तो फिर साथ के साथ जितना भी हम काम करेंगे ना उसका वो सारा फैलाता जाएगा। और इस कमरे में मैंने सक्षम को लगा दिया कि थोड़ा सा आप ड्रेसिंग साफ़ कर दो। तो बच्चों को अपने काम में ना इन्वॉल्व करना चाहिए, बच्चे भी थोड़ा बहुत सीखते हैं, नहीं तो वो क्या करते हैं दिन भर खेलते हैं, टीवी देखते हैं, ऊब जाते हैं, फिर वो पूछते हैं मम्मा क्या करें क्या करें। तो थोड़ा सा उनको नया चीज़ अगर कुछ मिलता है ना करने को तो वो बड़े मतलब बहुत खुश होते हैं और थोड़ा सा उनको अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो मैंने ये काम किया। तो थोड़ा बहुत बच्चे भी हाथ बटाए, तो जो जो काम बच्चों को देती जा रही थी बच्चे साथ में अपना करते भी जा रहे थे। और आज मैंने सोफ़ा का ये सारे कवर भी धुलना है मशीन में, तो बस जो है सोफ़ा को पहले मैं सही से लगा दूंगी और इसके बाद इसको एक चादर से ढक दूंगी। इससे क्या होगा ना, जो लड्डू है बहुत कूदता है सोफ़े पे बहुत ज़्यादा, और मेरा वैक्यूम क्लीनर भी ख़राब हो चुका है, तो मैंने इसको इस तरह से टॉवल से झाड़ के हमने यहाँ पे चादर डाल दिया। बच्चे कूदते हैं बिल्कुल भी नहीं मानते हैं सोफ़े पे, तो इस तरह से हमने झाड़ झाड़ के सोफ़े को एक लाइन लगा दिया है और इस पर चादर डाल दिया है। इसका जो कवर है अब आज इसको मशीन में डाल के धुल देंगे, उसके बाद फिर इस पर लगाएंगे तब इसका चादर जो है उतार देंगे। तो बस यहाँ पे यही सब काम हो रहा है। तो सामान तो हमारे सारे सेट हो गए हैं, बेड, ड्रेसिंग और कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा सामान तो था नहीं कि मतलब उसको जो है हटाना पड़ रहा हो, खिसकाना पड़ रहा हो। तो बस जहाँ के जो सामान थे वहीं पे थे, बस सोफ़ा थोड़ा सा हमने इधर किया था कि ताकि इस पर पेंट ना गिरे, क्योंकि छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनली हमने ये काम 3 बजे ख़त्म किया है, उसके बाद फिर हम नहा कर आए हैं। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्लीनिंग वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी। और साथ में मैंने बनाया लंच, लंच में मैंने सिंपल दाल चावल भिंडी की भुजिया रोटी और ये सिवई है। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।